नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आप सबको बड़े ही अच्छे से पता है कि आर्टिकल 370 को कुछ महीनों पहले अब्रोगेट कर दिया गया था अगस्त में, और दोस्तों अब रिसेंटली अयोध्या वर्डिक्ट आ गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता है, इस पर मुझे कुछ अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन दो टॉपिक को जितनी मीडिया कवरेज मिली वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया गया पिछले 4-5 महीने में। और दोस्तों, वो इश्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम उन कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राम मंदिर का इशू है और जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज थी, तो उसके बारे में आप सबको अच्छे से पता ही है। दोस्तों, आप सब फेसबुक पर भी होंगे, तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए। यहाँ पर डेली हम एमसीक्यूज़ को अपलोड करते हैं। वो एमसीक्यूज़ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जो कि आपके कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन में और आपके गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आप इसका भी बेनिफिट अच्छे से उठा पाएंगे। दोस्तों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पर भी थोड़ा विचार करें। अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी अति को हर जगह छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, इस चीज़ को चाणक्य ने इस पैराग्राफ से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाणक्य से पूछा गया जहर क्या है, तो चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, भूख हो, धन हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, यहाँ तक कि प्रेम ही क्यों ना हो, अगर आवश्यकता से अधिक है तो वो जहर है। और यही बात दोस्तों आज के सिनेरियो में भी सही बात है। दो टॉपिक पर इतनी ज़्यादा अटेंशन दी गई, इन दो इश्यूज पर इतनी ज़्यादा अटेंशन दी गई, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, उसको मैं साबित करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना ही मैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ हूँ और ना ही मैं राम मंदिर पर जो ये फैसला आया है बनने के, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारा इन दोनों मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सरकार के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और किसी के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो। तो इस वजह से दोस्तों हम आप ही के मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। आप ये मत समझिएगा कि ये जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं एक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका इन्फ्लुएंस आप सब पर पड़ना ही पड़ना है, इसीलिए इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। पहला आर्टिकल 370 पर है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडिया ने टेररिज्म के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था उसको हटा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। इसके लिए पीएम मोदी का मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पीएम मोदी को, वो काबिले तारीफ काम उन्होंने किया, संसद के द्वारा करवाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डोंट टेम्पर विद अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पर दोस्तों ये कह रहे हैं कि मॉस्क्यू हैं या फिर टेम्पल हैं, उनका किसी भी तरीके से टेम्परिंग उनमें नहीं होनी चाहिए, यानी आगे अयोध्या जैसा जो केस है सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उसके पास आए। और दोस्तों यहाँ पर इसका बहुत ही वैलिड रीज़न है, क्योंकि ऐसे अगर चीज़ें आती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को तो काफ़ी नुकसान होता ही है, देश के रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, और उस पर फैसला देकर सुलझाने के बाद कुछ खास ज़्यादा लाभ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अयोध्या वर्डिक्ट आ जाने के बाद ये गलत हुआ या कुछ सही नहीं हुआ, ये एक्चुअली सही हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही मुद्दे कोर्ट में आते रहेंगे तो कोर्ट काफ़ी सारे दूसरे इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर पाएगा जो एक डेमोक्रेसी और कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि इस तरीके के मुद्दे और ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पढ़े लिखे जज हैं, और उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा कहा, तो उसके पीछे काफ़ी अच्छे रीजंस हैं। आइए अपने इस वीडियो में हम इन्हीं पर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों पहले ध्यान दीजिए, रिजीम एंड इट्स फोकस एरिया। देखिए कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो उसका जो मैनिफेस्टो आता है,
जो चुनाव होने से पहले नेता अपने प्रस्ताव रखते हैं जनता के सामने, उनमें क्या फर्क होता है दो देशों में? एक तो जहां पर राइट विंग आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, तो वहां पर मोस्टली जो इम्पोर्टेंट इश्यूज के तौर पर लिए जाते हैं वो काफी इमोशनल इश्यूज को लिया जाता है, जैसे कि नेशनलिज्म, रिलीजियस आइडेंटिटी, टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, मैं इनको किसी भी तरीके से आपको कम आंकने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपना सारा का सारा समय इन्हीं दो इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ दे देना समझदारी नहीं है। देश में दूसरे भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है और उस पर भी बराबर समय देना चाहिए, कम से कम उनके वेटेज के अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत समय उनको देना ही चाहिए। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको किसी भी तरीके से कम नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है राइट विंग आइडियोलॉजी पर, वो इम्पोर्टेंटली इमोशनल इश्यूज और कुछ इस तरीके के इश्यूज पर ज़्यादा बात करती है। और आप देख सकते हैं 2019 का जनरल इलेक्शन, जहाँ पर पुलवामा, बालाकोट और पाकिस्तान की ही ज़्यादा बात हुई। लेकिन दोस्तों, जो इलेक्शन होते हैं फेडरल इलेक्शन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, वहाँ देखिए कि टॉप इलेक्शन इश्यूज किस तरीके के होते हैं। वहाँ पर दोस्तों सर्वे के थ्रू फाइंड आउट किया गया कि क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा बात होती है और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी। उसके बाद से दोस्तों जो वहाँ के लोग हैं, इनइक्वालिटी, पेंशन, हेल्थ केयर, टैक्सेस और एम्प्लॉयमेंट, इन सब पर भी बात करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर लॉजिक और काउंटर लॉजिक कर सकते हैं कि जितने टेररिज्म अटैक हमारे देश पर हुए उतने तो यहाँ होते नहीं हैं, तो वो इस पर इतना ध्यान क्यों दे? आप बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों को एक तरीके से सारा समय दे देना जस्टिफाइड नहीं है। आपकी बात सही है कि ये मुद्दे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सारा समय दे देना इनके पीछे जस्टिफाइड नहीं है किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एनालाइज करने जा रहे हैं, और वो हैं इस चीज़ के डिजास्ट्रस आउटकम। मैंने आपको वीडियो के पहले ही में ही बता दिया था कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति को सब जगह छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ इन दो इश्यूज पर हमने, हमारी मीडिया ने अति कर दिया और उसका हमें यहाँ पर नुकसान देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिजास्ट्रस आउटकम क्या क्या आए इसके। पिछले 10-11 महीनों में सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान दिया गया, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी पर ही काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, और इसके पीछे हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप इसको समझ सकते हैं कि जितने भी प्राइम टाइम न्यूज़ डिबेट हो रहे थे, जितने भी पॉपुलर डिबेट्स होते थे, उनमें से सिंगल भी डिबेट इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, फार्मर्स और एनवायरनमेंट जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर नहीं हुआ। एक तरीके से अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन सारे इश्यूज पर बात होने चाहिए। ये सारे मुद्दे जो हैं वो आप ही के हैं, ये किसी एक व्यक्ति या कम्युनिटी से रिलेटेड मुद्दा नहीं है कि उसको हम छोड़ दें। अगर इन सारे मुद्दों को हम छोड़ देते हैं तो इसका नुकसान सबको होना है। सबको अगर नौकरी में कमी होगी, लोगों की आय कम होगी, तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों पर जब डिबेट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने है एक तरीके से प्रेशराइज जो होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनना चाहिए था वो प्रेशर नहीं बना। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसका डिजास्ट्रस आउटकम सामने आया। यहाँ पर अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ही बात करें तो उसकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। यहाँ पर आप इस रिपोर्ट में तीन इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिए जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट एक्चुअली में होना चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, पाकिस्तान फाइनली ओवरटेकिंग इंडिया इन 2019 एंड बेइंग 8 रैंक्स अहेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया, और इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल होना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिसकंटेंट लोगों में देखा जाना चाहिए था, एक तरीके से लोगों को आउटरेज होना चाहिए था, इस पर गुस्सा होना चाहिए था कि हम पाकिस्तान से कैसे पीछे हो गए, हम तो हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे रहना चाहते थे। लेकिन इन दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ ने इस पर कोई बात नहीं होने दी। उसके अलावा जो ये
ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, उसने दो इम्पॉर्टेंट बात और कही कि इंडिया में 20.8% चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग रेट है वो भी 37.9% है। अब दोस्तों हमारे देश के अगर 20-21% लड़के बच्चे जो हैं वो चाइल्ड वेस्टिंग से परेशान हैं, चाइल्ड स्टंटिंग रेट से तकरीबन 38% हमारे देश के अगर बच्चे परेशान हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की एक काफ़ी बड़ी आबादी तो आगे किसी लायक हो ही नहीं पाएगी, वो ना ही फिजिकली फिट बन पाएगी, ना ही वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बन पाएगी, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। तो जब हमारा 40% तक ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा फ्यूचर का है, आगे हमें 5 साल 10 साल बाद वही ह्यूमन रिसोर्स पर देश की जिम्मेदारी होगी, और उसमें से 40% जो है वो किसी काबिल ही ना रहे, तो देश कहाँ पर जाएगा, क्या होगा देश का, ये काफ़ी एक सीरियस क्वेश्चन है। उसके बाद से दोस्तों गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 2017 की रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली 2018 या के लास्ट में, या फिर आप ये समझ लीजिए कि फरवरी मार्च में भी ये रिपोर्ट आई थी जिसमें 2017 का डाटा था, और यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहा गया 1,02,677 बच्चे जो 5 साल से कम के थे डायरिया जैसी बीमारी की वजह से मर गए, जिसको आसानी से रोका जा सकता था, यानी थोड़ी बहुत साफ सफाई करके और एक तरीके से दवाई, बच्चों को फ्री जो दवा होती है वो सब अवेलेबल कराकर, टीके कराकर इतने बच्चों को बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर बात होनी चाहिए थी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि IMR और MMR में एक तरीके से नंबर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन दोस्तों नंबर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके का हमें डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए वो बिल्कुल वैसा भी नहीं है। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि जो MMR है, मदर मोर्टेलिटी रेट, वो एक तरीके से 130 से 122 पे आ चुका है 3 सालों में, लेकिन आप ध्यान देंगे ये जो चीज़ हुई है ठीक 2011 से लेकर के 2014 के बीच में 167 से 130 पर आ गए थे। यहाँ पर जो हमने डिक्रीज देखा था, एक तरीके से हमने कमी देखी थी, यहाँ पर ये नंबर 37 की कमी देखी हमने, 167 से 130 हो गया, 167 से, लेकिन यहाँ पर 130 से 122 ही हुआ। तो एक तरीके से जो हमारा रेट होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट का, वो ज़रूर कम हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों 1,02,677 बच्चे 5 साल से कम के मर गए, इस पर एटलीस्ट डिबेट तो होना चाहिए था, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था कि इतने लोग मर गए, इतने बच्चे हमारे अंडर 5 से बच सकते थे डायरिया की वजह से, लेकिन नहीं बच पाए, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं, क्योंकि इस मीडिया ने सिर्फ उन्हीं 2 इंपॉर्टेंट इशूज पर बात की और इसको एक्चुअली एनालाइज नहीं। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट रिपोर्ट कुछ और बातें भी कहती हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट ये भी कहती है कि 8,75,659 चिल्ड्रन अंडर 5 वर किल्ड बाय कम्युनिकेबल न्योनेटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज, लेकिन इसके बारे में किसको पता है, किसी को पता नहीं। ये सारी चीज़ों पर मीडिया को एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए थी, बाद में गवर्नमेंट जो इस पर जवाब देती कि इसके पीछे रीजंस क्या है, किसको ब्लेम करना चाहिए, वो सारे इश्यूज बाद के थे, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे इश्यूज बाद के हैं, एटलीस्ट इस पर डिबेट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो है हम एक तरीके से गलत तरफ जा रहे हैं, इससे हमारे देश को आने वाले समय में नुकसान होगा, क्योंकि ये अगर हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स ही ख़राब हो जाएगा तो हमारे देश में कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये देखिए, कार्डियोवास्कुलर अटैक से मरने वाले जो लोग हैं उनमें 1919 में 13 लाख थे, और एक तरीके से 2017 में ये नंबर बढ़ के 26.32 लाख हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर से जो रिस्क है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों इसके पीछे रीजंस कई सारे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट इसके पीछे पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल ना हो, इसमें लोग अपने हेल्थ का खुद ही ध्यान नहीं रख रहे, लेट से सो रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, खाना पीना फास्ट फूड खा रहे हैं, और इस वजह से उनको जो हार्ट से रिलेटेड हैं वो बीमारियाँ हो रही हैं, और इस वजह से ये
जो नंबर है वो बढ़ रहा है। हम हर चीज़ के पीछे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसमें लोगों का अपना लाइफ स्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कम से कम इस पर बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस सारे इंपॉर्टेंट इशूज पर भी बात नहीं हुआ। लोगों को ये बताया नहीं गया कि इस तरीके से होने वाली डेथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो गवर्नमेंट से कुछ अपने लिए सेफगार्ड यहाँ पर एक तरीके से मांगने की कोशिश करे। गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके जो खाने पीने में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर वहाँ पर मिलावटी का सामान इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर कुछ रोक लगे। इस तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते थे अगर मीडिया इन सब चीज़ों पर चर्चा करती, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। ये रिपोर्ट आई और चली गई, किसी को कुछ नहीं पता इस पर। उसके बाद से दोस्तों आप ये देखिए कि एक जो है सर्वे में कैलकुलेट किया गया है कि अगर हम टेररिज्म अटैक से बचने के लिए जितना खर्चा करते हैं, अगर उतना ही चीज़ अगर हम उतना ही पैसा एक तरीके से हेल्थ पर खर्च करें या एजुकेशन पर खर्च करें, तो टेररिज्म से मरने वाले लोगों की संख्या से तकरीबन 1000 times जो है हम ज़्यादा लाइफ बचा सकते हैं। यानी सपोज कीजिए कि एक साल में टेररिज्म से मरने वाले लोगों की संख्या 500 है, और दोस्तों जो टेररिज्म अटैक से इन 500 लोगों को बचाने का खर्चा है, अगर उतने का हम हेल्थ प्रोवाइड करा देते हैं तो इसका 1000 times यानी तकरीबन 500,000 लोगों की हम जो जान है बचा सकते हैं उतने ही पैसे से। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर डिफेंस पर खर्च नहीं करना चाहिए, उल्टा हमारे पास जो इशू है वो काफ़ी सीरियस है हमारा नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारे दो एनिमी जो हैं वो काफ़ी पावरफुल है और उनके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इसीलिए ये समझिए कि डिफेंस को जो है इविल नेसेसिटी कहा जाता है, कि इविल नेसेसिटी इसको कहा जाता है, कि ये नेसेसिटी तो काफ़ी ज़रूरी है लेकिन इसके पीछे जो पैसा लगता है वो इविल है, उसके कुछ आउटकम जो हैं वो अच्छे नहीं मिलते। तो ये सारे इश्यूज हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर पाकिस्तान और चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे रहते, वो एनिमी कंट्री नहीं होती हमारी, तो हमारा काफ़ी सारा पैसा जो है एक तरीके से हेल्थ और दूसरे इंपॉर्टेंट इशूज पर लगता, और आज हो सकता था कि हम शायद डेवलप्ड कंट्री हों, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पर गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ कि उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब हम हेल्थ एजुकेशन और इन सारी चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जाते जाते हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी एक पार्टी को ब्लेम करने के लिए ये लेक्चर नहीं बनाया। जो ये दो इम्पॉर्टेंट इशूज थे न्यूज़ में, उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो। एक तरीके से अगर इसमें से कोई सा भी पक्ष झुक जाता, मैच्योरिटी शो करता, तो ये इशू कब का रिजॉल्व हो गया रहता, और एक तरीके से हमारा इतना सारा समय इन दो इम्पॉर्टेंट इशूज़ के पीछे बर्बाद नहीं हुआ रहता। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही पार्टी गिल्टी है, उसके अलावा कोई और भी स्टेक होल्डर है वो सब के सब गिल्टी हैं, लोग हैं वो भी गिल्टी हैं, हर कोई इसमें गिल्टी है, और इसीलिए किसी एक को, सिर्फ किसी एक को ब्लेम करना इसके पीछे सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिए रिसेंटली आज का क्या समय हो गया हमारे देश में, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोलॉजी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ थोड़ा बहुत ही इन सब चीज़ों पर बात होती थी, यानी ये कभी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं रहे। मैनिफेस्टो में आज भी कोई ये नहीं कहता, भले वो दिल्ली का इलेक्शन चुनाव लड़ रहा हो, चुनाव में ये कोई नेता नहीं कहता कि हमारे पास कोई पॉल्यूशन का प्लान है। भले दिल्ली में कितना भी पॉल्यूशन हो जाए, भले वो गैस चैम्बर बन जाए, लेकिन इलेक्शन में कभी भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा दिल्ली का एयर पॉल्यूशन या किसी और तरह का पॉल्यूशन कभी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों जो नेशनलिस्ट कंजक्चर है उसके दौरान इनके बारे में थोड़ी सी भी बात भी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हमें आगे अपने सिक्योरिटीज़ इम्परेटिव पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। भले टेररिज्म से मरने वाले लोगों की संख्या जो हो वो कम हो, लेकिन ये एक तरीके से दूसरे काफ़ी इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट करती है वो काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। अगर दोस्तों हमारे देश में कोई बीमारी से मर जा रहा है तो हो सकता है कि उसका उतना इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क ना पड़े, और
एक तरीके से नए प्लांट लगाने में और यहाँ टूरिज्म पर उतना फर्क ना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर हमारे देश में टेररिज्म अटैक हो तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा, हमारा टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से टेररिज्म से होने वाले नुकसान को भी कम आंकना सही नहीं है, इसीलिए हमें सिक्योरिटी को भी लेकर काफ़ी सीरियस रहना पड़ेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में जो हमारी रैंकिंग गिर रही है उसके लिए भी हमें काफ़ी एक तरीके से अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें वॉर फुटिंग लेवल पर काम करना पड़ेगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन सारे इश्यूज पर बात हो और हमारे देश की जो तस्वीर हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निखार आए, बीतते वक्त के साथ और ज़्यादा निखार आए। हम यहाँ पर किसी भी तरीके का डेक्लिनेशन नहीं देखना चाहते और इसीलिए ज़रूरी है कि इन सब इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाकर हम गवर्नमेंट को घेर कर रखें और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहें। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडियाज़ पर, खास करके एजुकेशनल सोशल मीडियाज़ पर हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।